नमस्कार चौपाल व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में। यहां पर हम मौजूद हैं अखिल भारतीय जाट महासभा प्रांतीय कार्यकारिणी सभा केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण की बहाली हेतु सम्मेलन। ये एक बैठक है अखिल भारतीय जाट महासभा की और हम इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं। क्या नाम रहा सर? मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर है। सर, जो ये आज की जो सभा है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज ये अखिल भारतीय जाट महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय प्रताप चौधरी जी, पूर्व विधायक सादाबाद। आज उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से पूर्व की भांति जाट आरक्षण की लड़ाई का आगाज यहाँ से शुरू होगा। तो केंद्र सरकार ने पहले समाज से वादा करने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया था, तो आज उस संबंध में सभी राष्ट्र नेतृत्व सब यहाँ आज पहुँचेंगे। सर, अभी तक तो जो आंदोलन चल रहा था, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा था, अब चुनाव आ रहे हैं, अब जाट आरक्षण की आंदोलन है, क्या कारण है इसका? नहीं, असल में जब कोई वादा कर रहा है तो टाइम पे याद दुआना पड़े है। तो आज समय है, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो पहले भी इन्होंने चुनाव के पास ही आके हमसे वादा किया था कि आपका जाट आरक्षण फिर से पुनः लागू किया जाएगा। इन्होंने ही वो ख़त्म किया था, तो आज फिर इन्हें याद दुलाने के लिए, केंद्र सरकार के कान खोलने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रताप चौधरी जी, तो इनके नेतृत्व में आज यहाँ से उत्तर प्रदेश से इसके लक्ष्य जगाई जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर सर, आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम सोदान सिंह है भाई। अगर सर, जैसे कि अगर अगले साल लोकसभा का चुनाव है, अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो क्या करने वाले हैं जाट समाज के? क्या करने वाले? अगर आरक्षण लागू नहीं होता है फिर क्या करेंगे? आरक्षण लागू नहीं होता तो फिर कहीं मरेंगे थोड़ी भाई। नहीं करेंगे तो सरकार के आते थे, पूछो पहले। ठीक बात, पहले अगले साल चुनाव है। हाँ? तो चुनाव में मेरा कहने का मतलब है कि अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो जाट समाज क्या करेगा, कहने का मतलब चुनाव में क्या करेगा? एक बात तो है, ये बहाली के लिए ही तो कर रहे हैं। हमें तो एक साल दिया था सेंटर में, इसकी बहाली के लिए हमारे आरक्षण को बहाल कर दें। तो ये गवर्नमेंट से निवेदन है, हमें जब वायदा किया था तुमने, मोदी जी ने और योगी उसने, अमित शाह ने, दोनों ने, अमित शाह तो मेरठ भी आके तो हमें दे दें, बाकी चुनाव में तो ठीक करते ही। हमने तो आज भी बहुत सरकार के फेवर में है, लेकिन हमें ही क्यों इग्नोर करा जा रहा? हमें भी आरक्षण हमारे को बहाली करना, हमारे को तो इन्होंने ख़त्म किया था, इसलिए बाकी इलेक्शन में तो हम सब ठीक करते ही हैं, बहुत बढ़िया वही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम विरोधी नहीं है किसी के भी। चंद्रवीर राठी। सर, आज की जो सभा है इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य आज की सभा? इसका उद्देश्य ये है, जो सेंट्रल में जो पहले अजीत चौधरी अजीत सिंह के जमाने में रिजर्वेशन हो गया था केंद्र में, जब बीजेपी की सरकार आई तो वो रिजर्वेशन खत्म करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, पैरवी की सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अब ये सम्मेलन इसी उपलक्ष में है कि वहाँ केंद्र में जाट कौम को आरक्षण दिया जाए, लेकिन मुसीबत ये है कि जाट कौम बिखराव पे है, अपने स्वार्थ के लिए लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। बीजेपी का जाट का तो कभी कोई वास्ता रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। एक ज़माने में मेरे याद है केवल 2 MP बीजेपी के बने थे, 2 MP, और गाँव में बीजेपी का कोई मतलब नहीं था। अब अपने निजी स्वार्थ में कुछ जाट भाई वो बीजेपी में भाग रहे हैं। सर, अगर आरक्षण बहाली अगर नहीं होती है तो फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या करने वाला है जाट समाज? अब बीजेपी ने अभी एक कुछ जाट तो कब्जा लिया है, अभी वहाँ सुभारती में उनकी मीटिंग होगी कुछ तारीख में, वो बीजेपी के हैं। तो संजीव बालियान जो जाट है मंत्री है, खुद संजीव बालियान के हैं। दिक्कत तो ये हो रही, कोई भी IAS जाट IAS अब नहीं है। जैसे कि भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बना रखे हैं। भूपेंद्र चौधरी को इसलिए बनाया, अब यशवीर सिंह अभी लोकदल में थे, मंडल अध्यक्ष रहे, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में भागे, अब राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, आज आ रहे हो वहाँ पर, आ रहे स्वागत हो रहा। क्या नाम है सर? राजकुमार तिवारी। क्या कहना चाहोगे आज की बैठक को लेकर सर? भैया, समाज में जो भी है जागरूकता लाने के लिए, नौजवानों का भविष्य बढ़िया रहे, अच्छे संस्कार मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उनके प्रेरणा लेने के लिए प्रोग्राम है। आपका भैया क्या नाम रहा सर? क्या नाम है सर? प्रणव चौहान। क्या कहना चाहोगे आज की बैठक को लेकर?
भाई हमारे जाट पृष्ठभूमि है, मेरठ की जाट पृष्ठभूमि है, जाटू का इतिहास ऐसा रहा, अंग्रेजों के टाइम पे ले लो चाहे अंग्रेजों के बाद में ले लो, जाटू का ऐसा इतिहास रहा, उन्होंने हर जगह अपने आप को एक एफर्टलेस फेस करा। आज भी एक जाट समस्या बहुत बड़ी ऐसी समस्या होगी कि हम एकजुट नहीं होना चाह रहे, या एक पहल है जाटू को एकजुट करने की, और यह सबसे बड़ी पहल हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह पहल करी, हम युवा इसे और बढ़ाना चाहेंगे, इसे और ऊंचे तक लेकर जाना चाहेंगे जिससे सरकार को इस चीज़ का एहसास हो, इसका प्रभास हो। जैसे कि पूरे मतलब पाँच साल होने जा रहे हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है, चुनाव के आते ही मतलब कोई ना कोई आंदोलन क्यों शुरू होता है? सर चुनाव पे ही बेस तो चुनाव ही है सब कुछ, अगर चुनाव पे हम किसी बात को नहीं रखेंगे तो बाद में तो कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। अब तो मेन ही मुद्दा है सरकार अब बनने जा रही, लोकसभा का चुनाव अब है, उन्हें वोट बैंक अब चाहिए कि चार साल पहले चाहिए था? अब से पहले कोई वोट बैंक नहीं चाहिए था, वोट बैंक अब चाहिए। वोट अब युवाओं को रोजगार क्यों देने लगी सरकार? अब 80,000 जॉब निकाल ली, कहीं 35,000, इससे पहले चार साल कहाँ गई थी सरकार? आज यू मुद्दा हम आंदोलन करने लगे, ये बात पूछने लगे आंदोलन अब क्यों कर रहे चुनाव पे, वे जॉब क्यों दे रहे? अब आज की जो बैठक है इसके बाद कोई आंदोलन वगैरह भी होगा? आज की बैठक के बाद कोई आंदोलन भी शुरू? आज की बैठक के बाद बातचीत करेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो जो बात रखेंगे उस पर हर चीज का वो समाधान होगा। सर क्या नाम रहा, क्या कहना चाहोगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक को लेकर यही कहना चाहेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, उनका हम आदेश का पालन करेंगे। सर क्या नाम रहा? तोमर नाम है भाई जी। सर क्या कहना चाहोगे आज की बैठक को? कहना चाहोगे जो कर हमारे बड़े बुड्ढे कह के नु करेंगे हम, जो ठीक है इनकी गैल है बतेरी शैली बजा। पिछली बार किसान आंदोलन चल रहा था, जो इलेक्शन आता है एक साल तक बत्ती चला, कोई नहीं मानना था हमारी बात को, तो ये भी इलेक्शन आ रहा है तो करेगी इस काम को, ये भी मान लगे हमारी बात। ये अगर बहाली नहीं होती है फिर क्या करेगा आपका? करेंगे जो कर बड़े कहेंगे मैं तो नहीं करेंगे, हम तो इनके पाँव है। हाँ जो फैसला लिया जाएगा यहाँ लिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में, यहाँ पर अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा वो आरक्षण की बहाली को लेकर एक सभा रखी गई है, तो आपके क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।